आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है ना, सबसे पहले पलटती है उसकी बुद्धि, जिसको बोला जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक इंसान का अच्छा समय बुरा समय कौन डिसाइड करेगा? उसकी बुद्धि। तभी बोला जाता है सही समय पे सही डिसीजन लेने से कहां से कहां पहुंच गया इंसान, और गलत समय पे गलत डिसीजन लेने पे सड़क पे आ गया इंसान। कई बार कहते हैं ना, जब नेगेटिव पीरियड चलता है ना, जैसे किसी को बोलोगे भाई आपका ना इस टाइम से इस टाइम पे नेगेटिव पीरियड चलेगा, यहाँ पर कहते हैं ना जो लोग सलामी दे के जाते थे आज मुंह पे दो जूता मार के जाएंगे, ऐसा समय है। तो कुछ ऐसे मत करना। कहते हैं ना कई बार किसी को आप मार भी दो आपको कुछ नहीं होगा, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, समय ही तो है। और कई बार किसी को फूल भी मार दोगे ना तो फांसी की सजा हो जाएगी, समय ही तो है, समय बलवान है। लेकिन अगर समय में छठा आठवां बारवां घर संबंध बना रहा है, अगर समय पे बुध ने कहते ना साथ छोड़ दिया, शनि ने साथ छोड़ दिया, तो क्या होएगा? राहु भी वो कहते ना बदनेचर पे आएगा, मंगल भी बदनेचर पे आएगा और खून के आंसू रुलाएगा। अब इस काल को बदलने के लिए आज जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूं वो 100% नहीं 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों? मेरे के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर सुंदर माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? अब ये हम मान के चल रहे हैं हमारा कर्म भी हो नहीं पा रहा। देखो चलो मान लो कर्म हो रहा है तो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं फेल होती चली जा रही हैं। गलत डिसीजन लेने की वजह से हम भी भुगत रहे हैं, घर वाले भी भुगत रहे हैं, सब कहीं ना कहीं मामला चौपट हो रहा है। ठीक, अब सबसे पहली चीज़, मेन चीज़ मैं अभी इसके बाद बताने जा रही हूँ। आपने एक प्रोसीजर करना है। जो आक का पौधा होता है, आक का पौधा, उसके ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना है। अब ये सरसों का तेल कौन सा होएगा? लोहे के कटोरे में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना मुंह देखना है, अपने सर से 7 बार घुमाना है और इसको जो है इस तेल को चढ़ा देना है। आपने इस चीज़ को 7 हफ्ते करना है लगातार। जो 7वां हफ्ता होएगा उधर, उस टाइम पे आपने जो लोहे का कटोरा होएगा वो उसी पौधे के अंदर थोड़ा सा मिट्टी निकालना, वहीं गाड़ के आ जाना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 साइकिल जो आपकी होगी वो 7 हफ्तों की होगी, फिर 8वां हफ्ता आपका वो पहला हफ्ता होएगा। इस चीज़ को आप कंटिन्यूटी में करोगे। ये मैं उन लोगों के लिए भी चीज़ बता रही हूँ जो कोर्ट केस में फंसते चले जा रहे हैं, लिटिगेशन, चाहे वो शादी की वजह से हो चाहे वो किसी भी वजह से हो, आपका कसूर है या नहीं है वो वक्त नहीं देखता कि कसूर है कि नहीं है, उसने लपेटे चपेटे पे लेना है तो लेना, बात ख़त्म हो गई वहीं पर। अब दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा वो कहते ना पावर लेकर बैठी है, जो इतना दम रख दिया कि बदकिस्मती को ओ कहीं ना कहीं पिछाड़ दे, अब उसके बारे में बात करते हैं। आपने 27 नींबुओं की माला बनवानी है। ठीक, बन जाती होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती, कैसे बनाएंगे वो हम नहीं जानते, हर जगह बनती है, जिसने करना है वो तो करना ही है, वो उसको तो टापू में भी बोलोगे जी चढ़ के आपने वो जड़ी बूटी लेके आनी है वो जड़ी बूटी भी लाएगा, और लाते हैं कितने आप में से लोग हैं क्या बताएं? कमेंट्स जिनके देखते हो उनको अगर बोलूँ ना एक पैर पे खड़ा होना, हाँ जी शैना जी क्या बताएं, और उन्होंने अपने जिंदगी में चमत्कार नहीं, जो जो जहां पर पत्नी बोल रही थी ठन ठन गोपाल होएगा सड़क पे आएगा, ओ आज की डेट में यहां पहुंचे हैं। जो एक इंसान वो सोच भी नहीं सकता, वो भी नेगेटिव पीरियड में, तो ऐसे नहीं पहुंचे, बहुत जप तप तपस्या करके बैठे हैं। ये जो आप जिन लोगों के कमेंट्स भी देखते हो ना, ये उनमें से आधे से ज्यादा वो लोग हैं। अब क्या करेंगे हम वो बताएंगे। घर से जब आप बाहर निकलेंगे तो 27 नींबू की माला लेके जाएंगे, या अगर बाहर से खरीद रहे हैं तो बाहर से खरीदेंगे, लेकिन जब आप घर से निकलेंगे
तो अपने हाथ में, अपने राइट हैंड में एक काला धागा बांधेंगे, लेकिन गाठे नहीं बांधेंगे, गाठे नहीं बांधेंगे उसको, बस ऐसी रोल 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 करके आपने बांधना है, गांठ नहीं बांधनी। अब जब आप जाओगे वहां पर, आपने नींबू की माला चढ़ा दी, आसन लेके जाना, आसन पे बैठ जाना या ऐसे जमीन पे बैठ जाना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लोगों को वहम हो जाता है क्योंकि असली जो स्थान होता है भैरव बाबा का वो शमशान में है, तो वहां की चीज लाते तो कईयों को वहम होता है, बट ठीक है जमीन पे बैठो, पर बैठना जरूरी है। कोई रीजन से मैं कह रही हूँ, हाथ पे बांधा हुआ है ना, अपने धागा भी बांधा हुआ है, इस चीज को भूलना नहीं है। और एक नींबू फालतू हम घर से लेके जाएंगे वो भी भूलना नहीं है। अब वहां पर बैठकर भैरव बाबा का ध्यान करते करते अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो समस्या है, अपने जो हालात है, उसको देखते देखते उनको, उनसे निवेदन करो कि ये मेरी समस्या है, मैं यहां पर खड़ा हूं अपनी जिंदगी में, मैं करूं, मेरे को रास्ता दिखाओ, मुझे इस चीज से बाहर निकालो। उसके बाद किस मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम हं शं नं गं फं सं खं महाकाल भैरवाय नमः, इस चीज का ठीक याद कर लो ना। अगर नहीं है तो देख देख के करो, क्योंकि मैं चाहती हूं जब ये कर रहे हो तो अपना पूरा कहते ना ध्यान के पूरा प्रॉपर एकदम डूब कर ये चीज करो। ये क्या है ये आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये आपको क्या दे दी हूं मैं। बोलने करने वाली बात नहीं है ये, 108 बार आपने जाप करना है। अब जी नींबू का क्या करें, नींबू एक नींबू को लेकर वहीं पर ही 7 बार अपने सर से वार के क्लॉकवाइज 7 बार जब वारोगे क्लॉकवाइज, उसके बाद 3 बार वारोगे एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद आते हुए कहीं पर भी चौराहे पे फोड़ के आ जाना। और जब वो फोड़ोगे ना तो पूरा पूरी एनर्जी लगाकर फोड़ के आना, मुड़ के नहीं देखना, लेकिन ऐसे सीधे घर नहीं आना, क्योंकि हमारे हाथ में वो काला धागा भी है। काले धागे का क्या करें, काले धागे का अपने साथ ना थोड़ा सरसों का तेल लेके जाएं, उसको वहीं पर ही डुबाकर किसी डब्बी डुब्बी में उसको आग लगा देना है। और जब आग लगेगा तो पैरों से 3 बार कुचल के थू 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 ये करना है। कई बार समझ भी नहीं आता, कई बार दशाएं तो बड़ी कमाल की होती है, फिर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्या हो गया कि सारी चीजें अचानक से पलट गई। होता ही है ना, अभी 2 महीने पहले तक तो देखा सब कुछ ठीक था, अब अचानक क्या हो गया। अचानक का जवाब केतु भी है, जिसका मैंने परसों की वीडियो में बताया था, नहीं देखा तो देख लेना। और अचानक का दूसरा नाम, कुछ चीजें दिखती नहीं है पर वो होती हैं, कुछ ऊर्जाएं दिखती नहीं है पर होती हैं। कल भी बताया था 10% आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूं, सिर्फ वो 10% उसकी जो औकात है ना, वो 10% है। 90% इज द एस्ट्रल बॉडी। वहां पर क्या क्या चीजें अपने साथ हम लेके चलते हैं, हमको खुद को अंदाजा नहीं। और ये अंधविश्वास नहीं है, ये फैक्ट है, साइंस भी क्या बोले अब छोड़ो। ठीक, तो ये करना है आपने, बस आज यही बताती हूँ, क्योंकि ये बड़ी हैवी चीज है, और जितनी हैवी चीज है ये उतनी जबरदस्त चीज है। जब आप ये मंत्र करते हो ना, आपको सच्ची में एक पावर ऐसा महसूस होती है, ये चीजें प्रॉपर महसूस होती है, बोलने करने वाली बात नहीं। आप ये करो तो आपको पता चलेगा। ये बुधवार शनिवार, बुधवार शनिवार टाइम इसका कुछ भी नहीं है, कभी भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय, नमस्कार।